टेंशन नहीं थी, घर में लड़ाई दंगा होती जब भी तो टेंशन होती। सतीश के दूसरे आरोपी जाबिद को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जो कुछ भी उसने बताया है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को संक्षेप में अवगत कराना चाहता हूँ। उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। बाबू लेके भाग गया तो पीछे नीचे भागा तो देखा वहाँ सब खून में लथपथ था। वो बहुत लाभ होता है उन बच्चों का। मुझे हमारे सामने चाहिए पूछताछ, हमारे सामने करवाई जाए। सही हुआ, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ उनके साथ अंजाम जो हुआ है। जाविद मुझे चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए। क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। घर से तो कोई कलेश बाजी थी नहीं, खाई रोटी सुबह ही आ जाते हैं काम करने को। शाम को कभी 9 बज जाते, कभी 10 बज जाते, ऐसे पहुँच जाते। टेंशन नहीं थी, घर में लड़ाई दंगा होती जब भी तो टेंशन होती। अच्छा। उसी खुशी से खा के घर से निकले। अब यहाँ आके क्या पता क्या हुआ, हमें कोई कुछ नहीं बताते। यहाँ से और कोई अगर काम होता और कोई सौदा ले जाते यहाँ से तो यहाँ जो मोहल्ले वाले उनके घर ले पहुँचा के आते हमारे। अच्छा। किसी से कोई रंजिश नहीं थी इनसे। दर्द बहुत होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा। अब जब ना जी ऐसा करते ना इनके साथ जो होता। सही हुआ, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ उनके साथ अंजाम जो हुआ है। आरोपी जाबिद को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जो कुछ भी उसने बताया है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को संक्षेप में अवगत कराना चाहता हूँ। शाम को करीब 5:30 के आसपास ये थोड़ी देर के लिए बाहर गया साजिद। जब लौट के आया तो उसके हाथ में एक चाकू दिखाई पड़ा। वो के घर के अंदर चला गया और जाकर के उसने वहां घटनाक्रम को अंजाम दिया। इस दोहरे हत्याकांड की तफ्तीश पुलिस कर रही थी। उस तफ्तीश के दूसरे आरोपी जाबिद को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में जो कुछ भी उसने बताया है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को संक्षेप में अवगत कराना चाहता हूं। उसका ये कहना है कि दोनों भाई एक बार्बर शॉप पे वहीं काम करते थे जो पीड़ित परिवार के घर के बिल्कुल सामने है। वहाँ करीब 4-5 सालों से काम करते थे और जो भाई था उसका साजिद, उसका पीड़ित परिवार से वाकिफ भी थी, उसके यहाँ उनका आना जाना भी था। घटना के दिन की बात उसने बताई है कि वो लोग जैसे रूटीन में हर दिन वो 8:30 के आसपास अपने गांव से चल करके मोटरसाइकिल से आते थे। उस दिन उनका भाई थोड़ा गुमसुम भी था। साजिद की बात कह रहा हूँ कि पूछताछ में ये भी तथ्य निकल के आए हैं कि साजिद बचपन से बहुत बीमार रहता था। टेंशन नहीं थी, घर में लड़ाई दंगा होती जब भी तो टेंशन होती। सतीश के दूसरे आरोपी जाबिद को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जो कुछ भी उसने बताया है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को संक्षेप में अवगत कराना चाहता हूँ। उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। बाबू लेके भाग गया तो पीछे नीचे भागा तो देखा वहाँ सब खून में लथपथ था। वो बहुत लाभ होता है उन बच्चों का। मुझे हमारे सामने चाहिए पूछताछ, हमारे सामने करवाई जाए। सही हुआ, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ उनके साथ अंजाम जो हुआ है। जाविद मुझे चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए।